वेलकम बैक टू इंशा स्टडी सेंटर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आपके प्रैक्टिकल की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। गाइस, बहुत सारे बच्चे हिंदी मीडियम होम साइंस की प्रैक्टिकल फाइल मांग रहे थे, ये प्रिपेयर हो गई है। ये रात को 3 बजे तक बनाई है हमने, तो गाइस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। आपको कोई भी नीड हो, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप प्लीज़ हमें कमेंट कर दीजिएगा। और हमें इंस्टाग्राम पे, हमारा चैनल है इंस्टा स्टडी सेंटर से अकाउंट है हमारा, वहाँ पे पर्सनल क्वायरीज़ के लिए मैसेज कर देना हमें, ठीक है? आप अपनी ये होम साइंस की फाइल देखिए। प्रयोग 1, ठीक है। विभिन्न खाद्य पदार्थों के अचार व चटनी बनाने हेतु आवश्यक सामग्री और उपकरण, ठीक है। इसका एम क्या होगा, आपका जो होगा लक्ष्य या उद्देश्य जो भी होगा, खाद्य पदार्थों का परिरक्षण, ठीक है। गाइस, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना आप, क्योंकि बहुत ये हो रहा है कि बच्चे फाइल्स ढूंढते हैं तो उनको लिंक मिल जाता है यहाँ पे, वो फाइल बनाकर फिर चले जाते हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो गाइस प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत मेहनत लगती है इसको बनाने में। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें बहुत सपोर्ट मिल जाएगी। आपको एक सब्सक्रिप्शन से आपको कुछ ही नहीं जाएगा बस, लेकिन हमें बहुत सपोर्ट मिल जाएगी। गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कोई भी आपकी क्वायरी हो तो हमें इंस्टाग्राम पे इंशा स्टडी सेंटर नाम से हमारा अकाउंट है, वहाँ पे मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है गाइस। गाइज, ये चैनल सिर्फ NIOS के लिए नहीं है, ये अभी हम NIOS को इसलिए प्रोवाइड कर रहे हैं क्योंकि अभी NIOS के बच्चों को बहुत सारी जगह से फाइल्स प्रोवाइड करने के लिए पैसे मांगे जा रहे हैं कि हम आपको फाइल प्रोवाइड कर देंगे, इतना पे कर दीजिए, 100 रुपये पे कर दीजिए या 150 पे कर दीजिए। ये उन बच्चों के लिए है जो अफोर्ड नहीं कर पाते, जो अपनी फीस भी बहुत मुश्किल से भर पाते हैं। गाइस, आपको बिल्कुल कहीं पे करने की ज़रूरत नहीं है, आपको जो भी ज़रूरत हो आप हमसे कमेंट कर दीजिए, इंस्टाग्राम पे हमें पर्सनल मैसेज कर दीजिए, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे जो भी नॉलेज है हमारे पास वो हम आपको देंगे। आपको किसी भी चीज़ के लिए किसी को भी पे करने की ज़रूरत नहीं है। गाइज, अभी हम NIOS का कर रहे हैं क्योंकि बच्चों को ज़रूरत है। ठीक है, इसके बाद अगर आपके जब आपके NIOS क्लियर हो जाएगी, उसके आगे की आप जो स्टडी करेंगे, जो भी आपको गाइडेंस चाहिए होगी वो हम आपको देंगे, भले ही आप वो किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग हो, आपको क्या करना है आगे 12th के बाद, आपको क्या करना है, हर फील्ड की ज़्यादातर नॉलेज हमारे पास है। नहीं भी हुई तो हम कलेक्ट करके देंगे आपको, लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। गाइज, आप लोग इन एंटरटेनमेंट के लिए बहुत सारे चैनल सब्सक्राइब कर लेते हैं, एक काम का भी कर लीजिए। अभी हम लोगों का चैनल स्टार्टिंग है और कुछ ऐसा है भी नहीं हमारे पास जो हम आपको पूरी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर पाएँ, इसलिए बाकी वीडियोस नहीं बन पा रही हैं। अगर हमारे सब्सक्रिप्शंस बढ़ जाते हैं तो हमें यूट्यूब सपोर्ट करेगा और हम आपको अच्छे से सपोर्ट कर पाएंगे। तो इस चैनल को जितना हो सके नीडी बच्चों के पास फॉरवर्ड कर देना, इसको शेयर ज़रूर कर देना बच्चों के पास। गाइस देखिए, ये जो यहाँ पे पिक दिख रही है आपको, ऐसी कोई भी पिक आप कलेक्ट करके लगा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आपको यही लगानी है, तो लगानी इसी चीज़ की है जो यहाँ पे लिखा है, नींबू का अचार खट्टा व मीठा, ठीक है। तो आपको लगानी नींबू के अचार की है, लेकिन आप गूगल करके वहाँ से डाउनलोड करके निकलवा के लगवा लीजिएगा, ठीक है।
देखिए मैं बहुत स्लोली स्लाइड कर रही हूँ ताकि आप अच्छे से लिख पाएँ। फिर भी आपको कोई इशू होता है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे पर्सनली, और कमेंट भी कर दीजिएगा। गाइज मैं फिर बोल रही हूँ आपको सेम पिक लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप ये जो सेब का जैम लिखा है यहाँ पे, आप देख लीजिएगा आपको किस कौन सी पिक चाहिए तो आप कहीं से भी लगा सकते हैं, ठीक है। आप हमारे इंस्टाग्राम के चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ पे जो चीज़ें हम वीडियो बनाकर नहीं बता सकते हम इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर देंगे। अभी फ़िलहाल हमारा यही मोटिव है कि आपको प्रैक्टिकल में पूरी तरह हेल्प कर पाएँ, इसलिए हम इंस्टाग्राम के चैनल पे इतना फोकस नहीं कर पा रहे। तो आप प्लीज़ हमें फॉलो कीजिए वहाँ पर, और वहाँ पे ये नहीं कि सिर्फ NIFS की है, वहाँ पर MLT इंग्लिश और बाकी और भी जो भी आपको नॉलेज चाहिए वो सब मिल जाएगी, किसी भी रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो आपका तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। प्रयोग 2, भोजन को पौष्टिक बनाना, ठीक है। देखिए बाजरे के लड्डू, विधि, ठीक है। गेहूं बेसन के लड्डू, बाजरे की मठरी, विधि है ये आपकी, नमक पारे। ये सामग्री लिखी है आपको क्या क्या चाहिए बनाने के लिए। अगर आपको कोई भी इशू होता है वीडियो देखने में कैसे भी तो आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अंकुरण विधि, ठीक है। अंकुरित हरी मूंग का रायता,
भरवा टमाटर, ये विधि है। इडली, सामग्री और ये विधि। नारियल चटनी, डोसा, ठीक है। गाइस कहीं पे ब्लर हो गया हो या ना समझ आया हो या फिर कहीं पर बाय मिस्टेक ही तेज़ी से स्लाइड हो गया हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, और इंस्टाग्राम पे हमें मैसेज कर दीजिएगा आप, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ठीक है। प्रयोग 3, क्योंकि हिंदी में है और हमने बहुत क्लियरली बनाने की कोशिश की है तो इसमें स्पेसिंग भी ज़्यादा है और मैं स्लाइडली स्लोली स्लाइड कर रही हूँ इसलिए मे भी वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो जाए, लेकिन आप पूरी फाइल यहीं से बना लीजिएगा, ठीक है। ये आपकी टेबल सारणी बनानी है आपको, यहाँ प्रयोग 4, घर के कार्यों का समायोजन, ठीक है। परिचय, प्रक्रिया,
ठीक है। विभिन्न प्रकार के टांके पहले लिख लेंगे, देन ही बना देंगे, ठीक है। ड्रॉ करना है आपको, ये थोड़ा ज़्यादा स्लाइड हो गया, मैं वापस जाती हूँ। कहाँ पे थे हम, जस्ट अ सेकेंड। यही प्रैक्टिकल था हमारा, फोर्थ प्रैक्टिकल ये हो गया था मेरा। ये टेबल भी दिखा दी थी मैंने आपको, ठीक है। इसके बाद हम भी इस पे थे, विभिन्न प्रकार के टाके फिफ्थ पे, गाइज इतनी फैसिलिटीज नहीं है तो कुछ ना कुछ एरर हो ही जा रहा है इसमें। देखिए आपको ये सारे डायग्राम्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है। कि नीचे का टाइप लिख देना किस टाइप के टाके हैं ये, ठीक है। आते हैं एक्सपेरिमेंट सिक्स, विभिन्न प्रकार के वस्त्रों को पहनना, ठीक है। देख लीजिएगा गाइज, ये आपको लिखना है, ये आपको अलग से पेज पे लिख कलेक्ट करके लिखकर फिर भी काट के पेस्ट करना है, वो आप अपने ऊपर देख के बता सकते हैं। ज्वलन परीक्षण, ये आपको टेबल्स बनानी है, तो अलग से कलेक्ट नहीं करना है, ठीक है। प्रयोग सेवन, आवश्यक सामग्री, ये काफ़ी पीछे आ गए। विभिन्न प्रकार के वस्त्रों को पहनना, इसी प्रैक्टिकल पे थे हम, ठीक है। सेवेंथ
एक्सपेरिमेंट आवश्यक सामग्री। गाइस प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये अभी सिर्फ NIOS के लिए नहीं रखेंगे, हम इसको कंटिन्यू करेंगे इस चैनल को, अगर हमें अच्छा रिस्पांस मिलता है। अभी तो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो रहे हैं हम इस चैनल से, क्योंकि बच्चे आते हैं, प्रैक्टिकल फाइल बनाकर चले जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। व्यूज़ तो बढ़ रहे हैं लेकिन सब्सक्रिप्शन नहीं बढ़ रहा। गाइज़ आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए, इसको चैनल को शेयर कीजिए ताकि उन बच्चों की हेल्प हो जाए जिनके पास पैसे नहीं है प्रैक्टिकल फाइल खरीदने के या PDFs खरीदने के, और इससे हमारी भी सपोर्ट हो जाएगी। आपकी एक सब्सक्रिप्शन से हमारी काफ़ी सपोर्ट हो जाएगी, हमें YouTube से हेल्प मिल जाएगी और हम आपको हेल्प कर पाएंगे। अभी इसी वजह से, क्योंकि मैं यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग से बना रही हूँ, मैं आपको आपके जो हॉल टिकट है वो रिलीज़ हो चुका है, लेकिन मैं उस पर वीडियो नहीं बना पा रही क्योंकि मेरे पास फैसिलिटी नहीं है। फिर भी मैं कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाल लूँगी, ट्राई करूँगी कि ऐसे ही बना पाऊँ। गाइज़ आपका हॉल टिकट आ चुका है, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। नहीं पता हो कैसे डाउनलोड करना है तो मैं आपको बता दूँगी एक दो दिन में, मुझे अभी समझ नहीं आ रहा कैसे करूँ। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए आप, या आपके NIOS के बाद आपको इन फ्यूचर कुछ करना है, जैसे आपको BA BSC वगैरह कुछ करना है, BA या BSC वगैरह करना हो, या किस फील्ड में करना है, कैसे एडमिशन लेना है, और आपको फाइल्स वगैरह पूरी हेल्प करेंगे। आपने बहुत सारे चैनल्स YouTube पे सब्सक्राइब करे हुए होंगे, जैसे आपका कोई सीरियल का हो गया या फिर कोई न्यूज़ का हो गया, तो एक और सब्सक्रिप्शन से आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन हमें सपोर्ट मिल जाएगी और हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो गाइस प्लीज़ इसको चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा, और आपकी कोई भी क्वेरी हो, पर्सनल क्वेरी, NIOS से हटके भी हो कोई, तब भी आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम के चैनल इंशा स्टडी सेंटर से आप यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इंस्टा पर हमें फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। प्रयोग आर्ट वस्त्रों पर से दाग छुड़ाना, ठीक है। आवश्यक सामग्री में भी वीडियो में कुछ एरर्स हों, जैसे बार बार स्लाइड हो जा रहा है ऊपर नीचे, और आउटसाइड साउंड्स भी आ रहे हैं इसमें काफ़ी, तो अभी मैं जो भी कर रही हूँ फ़ोन से ही कर रही हूँ, उसको फाइल्स प्रिपेयर करना सब कुछ फ़ोन से कर रहे हैं हम लोग। तो अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमें काफ़ी सपोर्ट मिल जाएगी आपसे। ये देखिए, आप ये कलेक्ट करके लगा सकते हैं, ठीक है। स्ट्रेन्स लगाने हैं आपको, ठीक है। देखिए यहाँ से दाग हटाने की विधि, निष्कर्ष, ठीक है। ये आपके एक्सपेरिमेंट्स ख़त्म हो गए, यहाँ पे आपका लास्ट एक्सपेरिमेंट था, ठीक है। गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, हमें थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, और अगर आपकी कोई भी पर्सनल क्वारी हो, किसी और सब्जेक्ट की फाइल चाहिए हो, TMA आपको चाहिए हो, गाइज आपके जैसे जिन बच्चों ने तैयारी नहीं कर पाई होती, पेपर अच्छे नहीं जाते, उनके लिए भी मैं वीडियो डालूंगी। उनको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि हमारी तैयारी नहीं हुई, हम पेपर कैसे देंगे। अगर इन केस अभी तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए, इन केस अगर उनके पेपर अच्छे नहीं जाते, तब मैं बताऊँगी कि उनको करना क्या है आगे।
ठीक है, जिससे आप अपनी दोबारा से परसेंटेज इंक्रीज कर लेंगे। एंड इसकी बहुत सारी बातें हैं जो बच्चों को नहीं पता होती, जिसकी वजह से वो धोखा खा जाते हैं। मान लो उनका रिजल्ट खराब हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं है कि सीबीएसई में एक बार रिजल्ट खराब हो गया तो वो हो गया, लेकिन NIOS में आप अपने रिजल्ट सुधार सकते हैं। इस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊंगी। अगर आपको इस टॉपिक पे भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे बता दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।